भी आपकी कमजोरी है पहले आइडेंटिफाई करो कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, कौन सी वीकनेस है, उसको अपनी ताकत बनाओ। अब मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये मैंने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा डर है, वो कई बार तो हम नाम सुन के डर जाते हैं कि स्टेज पर जाना है। अभी जैसे यहीं पे खड़े कर देंगे तो नॉर्मली आप खड़े हो जाओगे, थोड़ा सा बोल लोगे, क्लास में खड़े करेंगे तो ज़्यादा डर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ आना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। सबसे पहले क्या करना है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई भी एक टैबलेट नहीं है कि खिला दो और डर खत्म, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी कॉलेज में वो जब भी स्कूल में आपके कोई भी कॉम्पिटिशन हो, जहाँ पर पार्टिसिपेट आप कर सकें, कोई भी एक्टिविटी हो, सबसे पहला जो काम है वो है आपको एक्शन लेना है और आपको अपना नाम दे देना। अगर हंसी उड़ भी जाएगी तो हमारे स्कूल के बच्चों के सामने उड़ेगी, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहला तो क्या है, एक्शन। अगर आपने अपना नाम दे दिया तो आप जैसे भी कुछ भी करके कर लोगे, पहला काम एक्शन। दूसरा काम क्या है, आपको सबके घर में आईना होगा ना, शीशा, जिसमें डेली अपना ब्यूटीफुल फेस देखते हो, वाह कितना हैंडसम है, कितने ब्यूटीफुल है ना, सबके घर में है। तो आपको क्या करना है, मान के चलो आपने स्पीच में भाग लिया है, अब आपने अपनी स्पीच रेडी रखी। कई बार ना हम लोग लिखते नहीं है, लिखना बहुत जरूरी है, लिखने से हमें याद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, शीशे के सामने खड़ा हो जाना है, क्या करना है शीशे के सामने, और अपनी स्पीच को पढ़ना है और शीशे में खुद को देखना है। अब शीशे के सामने खड़ा क्यों होना है, रीजन क्या है, जब आप खड़े होते हो ना तो खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरे एक्सप्रेशन कैसे, मेरे फेस के एक्सप्रेशन कैसे, वो बहुत जरूरी है। और जब आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हो तो खुद को देखते हो, वहाँ से आपका फियर कम होता है, बाकी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा तरीका है, मोबाइल में रिकॉर्ड करो, मोबाइल की जो सेल्फी वीडियो है उसे रिकॉर्ड करो और खुद को सुनो मैं कहाँ कैसे बोल रहा हूँ। ये तो बहुत एडवांस बात होगी कि आप अपनी वॉइस ऑफ टोन को देखो कि कहाँ से लो बोल रहे हैं, कहाँ तेज बोल रहे हैं, तो बहुत एडवांस बात होगी। नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करना है। तो दूसरा काम क्या है, घर पे प्रैक्टिस करना है, शीशे के सामने या मोबाइल रिकॉर्ड करके, ठीक है। तीसरी टिप्स क्या है, जब आप यहाँ पर आ जाओ, यानी कि आप पार्टिसिपेट आपने कर लिया और आपका नाम बोलने वाला है, तो जैसे ही आपका नाम बोलने वाला है उसके एक मिनट पहले आपको डीप ब्रीथिंग करना है। कैसे, लंबी गहरी सांस लेना है, रोक के थोड़ा छोड़ना है। अब आप बोल रहे हैं सर पागलपंती क्यों करना है, मैं बताता हूँ आपको। जब आप घबराए हुए होते हैं ना, अब उसमें घबराहट तो होती है ना, जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है ना घबराहट के कारण 172 से 180 पहुंच जाती है, उसको बैलेंस कर लेते हैं। और आपने जैसे ही डीप ब्रीथिंग करी 4 से 5 बार, आपका हार्ट, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपका जो हार्ट बीट है वो बैलेंस हो जाएगा, आपको डर कम लगेगी। और जैसे ही आपने 4-5 बार डीप ब्रीथिंग कर ली, फिर आपका डर कम हो जाएगा, फिर आप स्टेज पर आएंगे। अब स्टेज पर आने की हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, जैसे ग्रीटिंग तो आप लोग आई थिंक अच्छे से करते होंगे। कुछ स्कूलों में क्या होता है ना कि हमारे टाइम में भी हमारे स्कूल में क्या होता था, सिखाया जाता था कि मेरा नाम ये है और मैं ये कविता या कोई मतलब भाषण देना चाहता हूँ, तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करें, ऐसा सिखाया जाता था। तो उसमें क्या होता, पहले ही निगेटिविटी आ गई, मुझसे गलती हो गई, तो ऐसा तो नहीं होता ना। अब मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि शुरुआत के एक मिनट आपको बहुत डर लगता है स्टेज पे, तो एक मिनट कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे आप आते हैं तो सबसे पहले ग्रीट करते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम होता है, और सबको ग्रेटिट्यूड देते हैं, जो भी सब लोग बैठे हैं, मुझे थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए आपने सब बोल लिया। इसके बाद में ये लाइन तो हम लोग रट लेते हैं ना, सब बोल लेते हैं। इसके बाद में आपको एक तरीका बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि सामने जो भी बैठा है, मान के चलो आप आए हो यहाँ पर, तो सामने जितने भी लोग बैठे हैं, मैम सब लोग भी, सब लोग बैठे हुए, एक माइंड में खुद को झूठ बोलना होता है पब्लिक स्पीकिंग, ये जो सब सामने बैठे हुए हैं ना सब छोटे बच्चे हैं। क्या सोचना होता है कि ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब छोटे से बच्चे हैं, केजी के बच्चे हैं। पता है ऐसा क्यों सोचना होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम माइंड को जैसा डायरेक्शन देते हैं वो तो वैसे ही रिएक्ट करता है। तो आपने जैसे ही सोचा कि ये सब छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े बैठे हों चाहे कोई भी, मन में सोच लिया, अब हमारे माइंड को डर नहीं लगेगा,
कि आप छोटे बच्चों के सामने तो बोल सकते हैं ना, राइट? तो पहला झूठ ये बोलना होता है। आप बोलेंगे सर ये कैसे खा रहे हो, ऐसा करना पड़ता है पब्लिक स्पीकिंग में, हमें सोचना पड़ता है, नहीं तो हमें डर लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। चौथी चीज क्या करना है, अब आप यहाँ पर आ गए, आपको शायरी से स्टार्ट करना है। क्या करना है? शायरी से। अब बोले सर शायरी से स्टार्ट क्यों करना है? एक जो पब्लिक स्पीकर होता है, कोई भी आप कोई भी आए, उसको सबसे ज्यादा कोई चीज चाहिए तो क्या चाहिए? क्लैपिंग। क्या चाहिए? क्लैपिंग। तो शायरी के एंड के बाद क्या होता है? क्लैपिंग ही होती है। जैसे मैं सेमिनार करूंगा तो मैं सबसे पहले आऊंगा, अभी ये सेमिनार है, एक सेशन है, तो मैं सेमिनार करता हूँ तो सबसे पहले आता हूँ और ग्रीट किया और सीधे स्टार्ट होता हूँ कि बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन तुम अपने इरादों से पीछे मत हटना, लाख आए मुसीबतें जिंदगी में, लेकिन तुम अपने हौसलों को बनाए रखना। ऐसे आपने कोई भी शायरी उस कंटेंट से रिलेटेड बोली, सबने क्या किया? क्लैप। जब क्लैपिंग हुई अब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब आप नॉर्मली अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये पांच टिप्स थी पब्लिक स्पीकिंग को अच्छे से करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर मैंने ये पांचों चीजें कर ली लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ, तो देखो मैं आप सभी को ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एक या दो बार में कुछ भी नहीं होता है। आप सोचो कि पब्लिक स्पीकिंग का डर मुझे दूर करना है और आपने एक दो बार ये जो मैंने बताई टिप्स आपने कर ली और हो गया, ऐसा नहीं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब ये आप करने लगोगे थोड़े से अचीवमेंट आपके पास आ जाएंगे कि कोई कॉम्पिटिशन जीत लिया, फिर आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप लोग जो मैंने टिप्स बताई हैं इसको फॉलो करेंगे? यस सर। इंप्लीमेंट करेंगे? यस सर। और मैं बोलता हूँ कि अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना तो इससे बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है? अब मैं आप सभी का एक टेस्ट लेने वाला हूँ, पता है कौन सा? प्रेजेंस ऑफ माइंड। कि जो मैं चीजें